सो गाइस फाइनली हमारे घर में जो दिवाली पे पूरा घर में प्लास्टर हो गया है और ये सब जो है यूट्यूब पेमेंट से हुआ है, ठीक है। तो सो दोस्तों अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, अभी क्या करना है हम लोगों को कि पापा जाएंगे मीट लाने के लिए। यानी हमारे घर में जो कोई भी नहीं खाता, सिर्फ हम और पापा ही खाते हैं। पापा बोले हैं कि एक मीट वाला जो ब्लॉग बनाओ। सर भैया कमेंट कर रहे थे कि आप लोग जो मीट खाते हैं कि नहीं, जो भैया लोग नहीं खाते उनके लिए सॉरी। पहले आप लोग से जो है विनती करता हूँ कि आप लोग कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। ये चिकन ब्लॉग जो है आप लोग के लिए बनाने वाले स्पेशल, कई सारे भैया बनाते हैं तो हमने भी सोचा कि आप लोग के लिए बनाएं। तो पापा अभी चिकन लाने के लिए जाएंगे, ठीक है, आधा किलो चिकन, और पापा अपने हाथों से बनाएंगे और हम और पापा बैठ के खाएंगे, कैसा होगा, ठीक है, पापा के हाथों से बना हुआ चिकन। तो दोस्तों अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, अभी जा रहे हैं घर का लीपा पोती करने, यानी दिवाली आने वाला है तो आप लोगों को धमाकेदार व्लॉग दिखने को मिलेगा। सो गाइस अभी का सीन क्या चल रहा है कि मम्मी जो है बकरी खरीद करके ले आई है और ये पूरा दिन जब से हम बाहर से आए हैं तब से चिल्ला रही मैं करके, और दो बकरी मम्मी उधर चलाने गई है, आप लोग को दिखाते हैं। सो गाइस देखिए एक व्हाइट कलर का बकरी वहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दो बकरी वहाँ चल रही है। और आपकी प्यारी सी भांजी देखिए सामने रेडी हो गई बढ़िया से, हेलो। चलिए तो अभी चलते हैं पेंट करने के लिए। दोनों खरगोश के साथ जो है दोनों भांजा भांजी खेल रहे हैं। क्या क्या नाम है बताओ? एक शेर एक रानी। तो गाइस ये देखिए ये मेरा शेर रानी, नानी लाई आई है दीदी के लिए गिफ्ट में। और आप लोग भी खेलोगे इससे? हाँ। खेलोगे ना? हाँ। खाना कौन खिलाएगा इसको? और गाइज देखिए ठंडी के जो बचाने के लिए बाबू इसको झांप रहे बढ़िया से। और इधर गाइज आपकी रागनी बहन जो है चूल्हा को जला रही है, क्यों? क्योंकि अभी जो है सुहानी को ठंडा लग रहा था और इसको अंडा चाहिए खाने के लिए लग रहा है इसलिए। देखिए दोनों बहन का प्यार देखिए, इसको ठंडा लग रहा है और देखिए बढ़िया से जो आग में जो सेक से करके, सबसे छोटी तो यही ना प्यारी, इतना प्यार दुलार। तो बात ये है कि सुहानी जो है अकेले पेंटिंग की है, ठीक है। अभी हमारी बारी है क्योंकि हम उत्तर प्रदेश चले गए थे, इसलिए जो आप लोग से माफी मांगेंगे क्योंकि वो जो पेंट कर रही थी इसलिए जो हाथ उसका पूरा भींग गया। रागनी का भी देख सकते हो जो टी शर्ट पे जो है एकदम कलर लगा हुआ था, इसलिए जो सुहानी को सर्दी हो गया, रागनी को भी थोड़ा बहुत सर्दी है और हमें तो है ये है क्योंकि हम ठंडा पानी वगैरह पी लेते हैं बाहर जाते हैं इसलिए ठंडा हो जाते हैं, इसलिए ठंडी जो हमको पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो अभी सुबह चिकन बनाने से पहले सबसे देखिए पहले मटेरियल ये होता है प्याज, यानी पापा ने प्याज को छील दिया, इसमें जो चिकन रखा हुआ है अभी बढ़िया से धुला जाएगा और यहाँ पे प्याज का छिलका। सो गाइस आपकी बहन जो है शुद्ध शाकाहारी है, ये बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती है, इसके लिए एक लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और बाकी बात हम लोग को बनाना पड़ेगा जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। तो पापा गए अभी मसाला वसाला लाने के लिए। गाइस पापा रेडी हो चुके हैं देखिए चिकन बनाने के लिए। ये है चिकन। हाँ ये तो चिकन अभी दिखाए थे सभी भैया लोग को, ये प्याज भी दिखाए हैं। हाँ ये कड़ू तेल है, गोलकी जीरा है, इसमें ये गरम मसाला। मटेरियल जो है आ चुका है चिकन के लिए। और ये पापा बिस्किट भी साथ में लेकर के आए थे क्योंकि सुहानी को जो भूख लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठी हुई है, लो खा लो। दोस्तों मीट जो लाया है वो चूल्हा पे नहीं बनाएंगे, स्वादिष्ट नहीं बनता है क्योंकि हम देसी है और जलावन पे देसी चूल्हा पे बनाएंगे ताकि स्वादिष्ट और सोना बनेगा। तो गाइस पापा का कहने का मतलब है कि गैस पे नहीं बनाएंगे, अभी जो है चूल्हा जो है जहाँ पे लकड़ियों का जो खाना बनाया जाता है उसे बनाएंगे। लिट्टी भी पापा बनाए थे। तो गाइस पापा को इन सभी चीजों में जो ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, क्योंकि गांव से मतलब थ्रू टाइम से बाहर में रहते तो खाना वाना बनाने का ज्यादा नॉलेज उतना हमको पता नहीं है, बट जो भी होगा हमसे हम करते रहेंगे, ठीक है। बाकी भाई चिकन बनेगा तो आप लोग को भी खिलाएंगे जो लोग खाते हैं भैया लोग। चलिए पापा दोस्तों खुशी की बात यह है कि दिवाली के मौके पे देखिए हमारा जो घर के अंदर जो छोटा मोटा जो प्लास्टर था यानी वॉशरूम वगैरह जो कलवल लगा हुआ है यहाँ पे नल भी लगा हुआ है, तो देखिए बढ़िया तरीका से जो रंग दिया गया है, देखिए यहाँ पे चादर भी लगा हुआ है और इधर आपका छोटा वाला भांजा यहाँ पे खड़ा हुआ है। सो गाइस देखिए कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, देखिए आप लोग को फिर से दिखा देते हैं। और यहीं पे जो है आपकी प्यारी बहन जो देखिए यानी कलर मैच कर रहा है दोनों का, पेंट का भी और इसका टी शर्ट का भी। सो अभी जो कढ़ाही जल्दी से धुल जाए तो कढ़ाही जल्दी से धुल के दो, पापा मांग रहे हो, ठीक है, जल्दी से आप धुलो थोड़ा। सो गाइस तो दोस्तों पीछे जो आप देख रहे हो, तो दोस्तों आप लोग जो पीछे देख रहे हो पेंट वगैरह जो ग्रीन कलर में करा, तो दोस्तों आप लोग जो पीछे देख रहे हो जो भी पेंट हुआ है दिवाली के लिए वो आपकी छोटी बहन सुहानी ने की है क्योंकि उसको ज्यादा पेंटिंग वगैरह में दिलचस्पी है, वो ज्यादा पेंटिंग वगैरह बनाना ज्यादा पसंद करती है, जैसा कि आप लोग कई सारे ब्लॉग में बनाते हैं, जैसा कि आप लोग कई सारे ब्लॉग में बताते हैं कि हमारा और मम्मी पापा सभी लोग को पेंटिंग बनाती रहती है, तो उसका जिद रहता है कि घर में कभी भी कलर करना होगा तो हम करेंगे। वैसे भी हम घर पे नहीं थे तो सुहानी ने जो काम को संभाला है,
इतना तबीयत खराब होने के बाद भी उसको मना करते, बट उसको ज्यादा पेंटिंग में ज्यादा दिलचस्पी है। क्या रंग दरवाजा सब पेंट किए सुहानी ने? हाँ दरवाजा का, दरवाजा भी पेंट हुआ है। सो गाइस देखिए ये पूरा दरवाजा भी पेंट कर दिया। देखिए तो इतनी छोटी सी बच्ची इतना कला है, और ऐसा लग भी नहीं लग रहा है कि कोई पेंटर से जो है पेंट करवाया गया। खिड़की भी पेंट कर दिया। लेट हो रहा है इसलिए अपना कराई हम धुल के जल्दी से ले जाते हैं और जल्दी से फटाफट बनाते हैं क्योंकि ज्यादा रात हो जाएगा। और हमें जो ये ब्लॉगिंग जो है 3 बज के, और हमें जो ये ब्लॉग जो है मॉर्निंग में 8:30 छोड़ना है, ठीक है? तो जल्दी जल्दी ब्लॉग भी करना है और सारा टेंशन भी रहता है। ठीक है हमने जल्दी से कराही धो लिया है। जो इधर सूट कर रही थी यहाँ पे, यानी भैया से काम करवा रही थी, बोली कि धुलना है तो अपने से धुल के ले जाइए। क्या बोली थी? अपने से धुल लीजिए लेके आप लोग मीठ खाइएगा ना। हाँ अरे वाह, देखिए मतलब इतना छुआछूत घर में चल रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, चलिए कराही धुल चुका है। सो गाइस पापा ले रहे हैं कराही। प्याज काट लिए क्या? काट रहे हम, काट देते एकदम। समझिए कि ये जो है एक चिकन वाला ही ब्लॉग हो गया। बढ़िया से शुद्ध चिकन के लिए जो है मसाला पीसा जा रहा है और इतनी रात में मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों को ब्लॉग दिखाने के लिए। सो गाइस जो भैया चिकन नहीं खाते उनके लिए सॉरी, जो खाते हैं उनके लिए खिलाएंगे भैया। बट कई सारे कमेंट आ रहे थे बहुत दिनों से, तो मैंने सोचा था कि जब दीपावली का टाइम आने वाला रहेगा तो दीपावली के पहले ही मैं ये ब्लॉग को अपलोड करने का कोशिश करूंगा, ठीक है? तो आज जो ये शूट कर रहा हूँ तो जो है मरीच लहसुन आदि को मिलाया गया, बढ़िया से मिक्स कर दिए हैं और इसको पीस दे रहे हैं, ठीक है? ताकि अच्छा से जो है ये मिक्स हो जाए। तो दोस्तों फाइनली मीट जो है कढ़ाई में चढ़ गया है और फ्राई हो रहा है। देखिए प्याज वगैरह सब कुछ मिक्स कर दिया गया है और पापा के हाथों से बन रहा है। देखिए जैसे लिट्टी बनाया थी उसी तरह बना रहे हैं। इसमें हल्का पानी डाल के खनकार के निकाल देंगे, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। लोग चखेंगे, पापा बढ़िया से एकदम मिक्स करके बढ़िया से बना दिए हैं और पापा खाएंगे क्योंकि घर में तो कोई खाता नहीं है, मम्मी और पापा खाएंगे। पानी अब रखना है ना पापा? पानी गाइस रखा जा रहा है इसके अंदर। रोटी के लिए जो है आटा गुना जा रहा है, अधिक वजह से हम बोल भी नहीं पा रहे। जो भैया लोग नहीं खाते उनमें से कई बार माफी मांग चुके हैं, हमें डर भी लग रहा है क्योंकि मुझे चिकन का ब्लॉग नहीं बनाना चाहिए था, बट आप लोग का डिमांड है कई सारे सब्सक्राइबर की भैया प्लीज बनाइए, आप खाते हैं कि नहीं, तो स्पेशली मैं जो है आप लोग के लिए बना रहा हूँ। जो भैया लोग चिकन खाते हैं और जिस तरह का भी जो माहौल चल रहा है अभी जो त्यौहार का, तो इसमें नहीं बनना चाहिए था। बट कमेंट कई सारे आ रहे थे अभी से नहीं बहुत ही शुरू से कि अपने हाथों से बनाइए आप अपने मम्मी पापा, क्योंकि मम्मी तो बनाती नहीं है और आपकी प्यारी बहन तो बनाती नहीं है, इसलिए जो हम पापा मिलके बनाए हैं। तो अभी रोटी इसको गूंथ लेते हैं आटा को, फिर रोटी हम बनाएंगे। चिकन हो गया तैयार वहाँ पे। सो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 11, ठीक है? और 11 बजे रात में कंप्लीट हुआ है खाना। अभी पापा को हम भूख लगा रहे हैं, पापा भी खा रहे हैं और इस हमारे पापा हम और पापा खाए हैं। बहुत टेस्टी बना पापा का हाथों का। सो गाइस फाइनली जो है यहाँ पे प्लास्टर करवा दिया गया था दिवाली के टाइम से, ठीक है? तो यहाँ पे जो कलर वलर करवा दिए, पूरा घर में प्लास्टर नहीं हो पाया क्योंकि पैसे की बचत ही नहीं हो पाई, ठीक है? और जो गाइस चिकन वाला जो ब्लॉग जो शुरुआत में आप लोगों ने देखा होगा तो काफी पहले मैंने शूट किया, तो इसी में मैंने ऐड कर दिया क्योंकि आज मैं जब उत्तर प्रदेश से आया तो सुहानी बहन की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब थी और इसके वजह से हम लोग ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाए, घर में कई सारी चीजें सही नहीं चल रही, मतलब कह सकते हो कि अब उसके लिए हम बयान ही नहीं कर सकते, इसी वजह से जो हम ब्लॉग जो शूट ही नहीं कर पाए। और साथ ही साथ हमें लगता है कि दिवाली भी मेरे घर पर नहीं होगा क्योंकि नानी का भी जो है तबीयत बहुत ही गड़बड़ हो चुका है, वो भी जो है समझिए कि इस दुनिया से जाने वाली है, तो उनके लिए भी दुआ कीजिए आप लोग, कमेंट कीजिएगा। सो गाइज अभी जो है अगर कहीं नानी अगर इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी तो हम लोग का दिवाली तो समझिए खत्म हो जाएगा, आप लोगों को ब्लॉग तो हम दे नहीं पाएंगे, तो बहुत सारी बातें इसलिए माफी चाहेंगे गाइज। तो ये गाइज आप लोगों को दिखा देते, देखिए यहाँ से जो है ये तो पूरा घर बचा हुआ है, यहाँ से लेकर के देखिए यहाँ तक जो है पेंट किया गया है। हेलो पापा,
हेलो, तो ये जो पूरा जो है आपकी सुहानी बहन और पापा मिलके रंगे थे, ठीक है, तो हम सोचे कि आप लोग को दिवाली में दिखा दें। तो आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि दिवाली में ना आप शॉपिंग किए हैं ना ही कुछ किए हैं। तो इस तरह जो है इधर हमारा जो है वॉशरूम पड़ जाता है इधर, और ये पेंट वेंट वगैरह लाए थे, सारा कुछ रंगा गया है यहाँ पे। और तो जैसा कि बता दिए कि उधर तो दीवार वीवार तो रख ही दिया गया है, कमारी का पसंद आया हुआ छोटी छोटी चीजें, और ये सब जो है यूट्यूब पेमेंट से हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कल जो है दिवाली का शॉपिंग वाला ब्लॉग आने वाला है, तो मत घबराइए, ठीक है। जा रहे भी फटाफट ब्लॉग को शूट करेंगे, आप लोग को घर पे जो भी चीजें हैं सभी लोग को जो है देंगे दिवाली में, मेरे तरफ से जो भी होता है एक बेटा की तरफ से। तो गाइस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, चैनल पे नए होते चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए। हम बिहार समस्तीपुर से देख रहे हो तो पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, अदर स्टेट से देख रहे हो पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, ये इंस्टाग्राम करके जाके फॉलो कर लीजिए। और गाइज मेरा ब्लॉग जो है 3:30 पे आता था, 3:30 पे आता ही रहेगा, आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, आगे बढ़ाते रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। लव यू ऑल, बाय।